भारत ने कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग काबू पा लिया है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 62,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मरने वालों की तादाद में आज कमी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता रोज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जहां 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं आज के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 62,224 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद कुल मरीजों की तादाद 2,96,33,105 पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले एक दिन में 2542 लोगों की मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 3,79,573 हो गई है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,07,628 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को हराया है। इन मरीजों के बाद कुल ठीक होने वालों की तादाद 2,83,88,100 पहुंच गई है। एक्टिव केस की बात करें तो अभी भी देश भर में 8,65,432 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में 28,458 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कुल वैक्सीन की बात करें तो अब तक 26,19,72,014 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारी चैनल के साथ।